नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर रुख करते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, जयपुर से बड़ी खबर, जो सेना में भर्ती कराने के नाम पर ठगी का मामला आया सामने। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सेना में भर्ती कराने के नाम पर ठगी का यह मामला सामने आया। आर्मी इंटेलिजेंस एटीएस और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से दस्तावेज, गाड़ी और नकदी बरामद की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त, आरोपी के पास से दस्तावेज, गाड़ी और नकदी बरामद की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां सेना में भर्ती करने के नाम पर ठगी का यह पूरा मामला सामने आया है। ठगी के बाद पुलिस के द्वारा यह सख्त कार्रवाई की गई है, जहां ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। आर्मी इंटेलिजेंस एटीएस और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली, जहां दो आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दो आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से दस्तावेज, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आर्मी इंटेलिजेंस एटीएस और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। लगातार राजस्थान पुलिस एक्शन मोड में है, जहां आपको बता दें कि तमाम ठगों का खुलासा पुलिस के द्वारा किया जा रहा है और इसी बीच आरोपी के पास से दस्तावेज, गाड़ी और तमाम चीजें भी बरामद की गई है। तो सेना में भर्ती कराने के नाम पर ठगी का यह पूरा मामला सामने आया, जिसको पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई की गई और ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया गया। वहीं आर्मी इंटेलिजेंस एटीएस और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। दो आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है, अब उनसे पूछताछ की जा रही है।